चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करते हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी कि फिजिकली मेटल नॉन मेटल में कैसा डिफरेंस होता है, वो हमने समझा था। और दूसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे कि जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट हमने देखा था कि मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं, वो हमने समझा था ना। आज हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करें कि जिसमें दूसरा रिएक्शन देखें केमिकल प्रॉपर्टी में कि मेटल्स और नॉन मेटल का रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले मेटल्स के बारे में जानें कि मेटल्स वाटर के साथ क्या रिएक्शन करते हैं। तो उसके लिए मेन रूल तो ये आता है, मेन तो ये रूल आता है कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। कोई भी मेटल जब वाटर के साथ मिक्स होगा ना, तो या तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जैसा मेटल हो उसके हिसाब से कि उसे वाटर से मिक्स करने से या तो वो मेटल ऑक्साइड या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगा ही। कि जैसे कि अगर सोडियम की बात करें कि 2Na मतलब सोडियम को H2O वाटर के साथ अगर मिक्स किया जाए तो उसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और साथ में हीट भी रिलीज होगी। ये हीट रिलीज होना सभी मेटल के साथ नहीं होता, कोई कोई मेटल के साथ होता है, क्योंकि हर एक मेटल वो वाटर के साथ अलग अलग तरह से रिएक्शन करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, हर एक मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल समझो कि जैसे पोटेशियम और सोडियम है ना, पोटेशियम और सोडियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ, और उनका रिएक्शन बहुत ही वायलेंटली होता है। पोटेशियम और सोडियम जैसे जो मेटल्स हैं, पता है ये मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं और ये एयर के साथ वाटर के साथ बहुत क्विकली रिएक्शन करते हैं, बहुत जल्दी। मतलब सोडियम ऐसा है कि सोडियम को जरा सा भी अगर पानी में डालोगे ना तो वो एकदम से जल उठेगा। हाँ, पानी में डालने से वो सोडियम एकदम से जो है वो जल उठेगा, उनमें से एकदम से हीट क्रिएट होने लगेगी, क्या कह सकते हैं, वेपर निकलना शुरू हो जाएगी सोडियम में और पोटेशियम में। हर एक मेटल का रिएक्शन अलग ना, जैसे अगर कोई लोखंड होता है, आयरन है, अगर वो भी तो मेटल है ना, आयरन को जो है वो आप लोग पानी में डालो, कोई रिएक्शन होता है। आप घर पे कोई नील होगी, कोई खिली होगी, उसे अगर आप पानी में डाल दोगे होगा कोई रिएक्शन? कुछ भी नहीं होगा ना, बरोबर ना। उसका रिएक्शन इतना क्विकली नहीं होता, लेकिन अगर सोडियम या पोटेशियम को आप अगर पानी में डालोगे ना जरा सा ही, तो उसी वक्त उसमें से स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा, जो क्या कह सकते हैं, वो सोडियम एकदम से जल उठेगा, इतना वायलेंटली वो रिएक्ट करता है। इसी वजह से तो ये सोडियम का ही ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ था ना कि सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट करो ना तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 गैस रिलीज होगा और प्लस हीट भी रिलीज होगा। वो ये हीट पोटेशियम और सोडियम में सबसे ज्यादा रिलीज होती है, बाकी किसी में ज्यादातर हीट रिलीज होती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इसके अपोजिट अगर कैल्शियम उसमें डालो ना पानी में, तो कैल्शियम जो है वो लेस वायोलेंट है, वो ज्यादा वायलेंटली रिलीज मतलब के रिएक्ट नहीं करता उसमें। मतलब कैल्शियम को अगर वाटर के साथ मिक्स करोगे तो उसमें से भी धुआं निकलता है, लेकिन ज्यादा नहीं। आपने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में सुना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर होता है, होता तो उसमें भी कैल्शियम ही है। घर पे जब वो कलर लगता है ना चूने का, तो वो चूना बनते हुए शायद आपने अगर देखा हो कि चूने के अंदर जैसे ही पानी मिक्स करते हैं ना तो उनमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। ठीक है, मतलब होता तो उसमें भी कैल्शियम ही है ना, कैल्शियम भी पानी के साथ रिएक्शन करता है, उसमें से भी हीट रिलीज होती है, लेकिन बहुत कम। पोटेशियम और सोडियम में बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ नहीं, लेकिन वो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, वो गर्म पानी से रिएक्शन देगा अपना, ठीक है, ठंडे पानी के उसके ऊपर असर नहीं होती, और वो भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन।
जबकि दूसरे कोई मेटल होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, इनका नॉर्मल वाटर के साथ ठंडा या गर्म कोई भी पानी हो उनके साथ रिएक्शन नहीं होता या बहुत स्लो रिएक्शन होता है। ये ऐसे मेटल्स सबसे ज़्यादा रिएक्शन करते हैं वाटर वेपर पे, वाटर पे नहीं, वाटर वेपर पानी की भाप आती है ना उस पे ये ज़्यादा रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। वाटर वेपर का रिएक्शन इनमें ज़्यादा होता है, मतलब ये लोखंड की जो खिली होती है ना उसे अगर आप लोग जो है वो पानी में डाल दोगे ना तो जल्दी रिएक्शन नहीं होगा। पानी में डालने पे उस पे जंग लगेगी, कांट लगेगी, बरोबर, जंग लग जाती है उसके ऊपर, रस्ट लग जाता है, लेकिन वो जल्दी नहीं, धीरे 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 प्रोसेस होती है, क्योंकि आयरन के ऊपर पानी का बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आयरन के ऊपर वाटर वेपर पास करो ना, पानी के धुएं में रखो ना, तो वो बहुत जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और दूसरे कोई मेटल्स हैं जैसे कि लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, ठंडा गर्म पानी हो या तो फिर वाटर वेपर हो, इनके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता। आपने सोने और चांदी के जो गहने बनते हुए देखे हैं, आपको पता ही है उसके ऊपर पानी का रिएक्शन होता ही नहीं है, कितना भी उसके ऊपर पानी गिरे, कितना भी उसे पानी में डुबा के रखो, उसमें कोई उसका न कलर उतरता है, न उस पर जंग लगती है, न और कुछ मैटर, कुछ भी नहीं, बरबर। ये लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। मतलब मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो सबका रिएक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद अब वाटर का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ देखें कि रिएक्शन ऑफ वाटर विथ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के बाद के साथ अगर देखा जाए ना तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, कि वो वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन करते नहीं है नॉन मेटल जनरली। एंड स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, जनरली सिर्फ वाटर वेपर जो स्टीम है उनकी वजह से उनमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मतलब वाटर का नॉन मेटल के साथ तो कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, हाँ नॉन मेटल के ऊपर अगर आप वाटर वेपर पास करो ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बस उतना ही, ठीक है। तो वाटर मेटल के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है, नॉन मेटल के ऊपर ज़्यादातर नहीं। उसके बाद दूसरा रिएक्शन अगर देखें तो वो रिएक्शन आता है रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड, कि अब एसिड का मेटल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, एसिड का इफेक्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पे क्या क्या होगा। सबसे पहले मेटल्स के बारे में अगर जाने तो मेटल को अगर एसिड के साथ मिक्स करो ना, मेटल प्लस एसिड, तो उसमें मेटल सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन अलग होता है। मेटल को एसिड से मिक्स करोगे तो मेटल सॉल्ट होगा और प्लस हाइड्रोजन अलग होगा। सबसे सिंपल इसका अगर एग्जांपल पहले समझ लो ना, तो आपके आपने शायद खुद देखा हो, अगर देखा हो तो ठीक है, नहीं तो कभी ऐसा ट्राई मत करना, ठीक है ना, ये ट्राई करना बहुत रिस्की होता है। अगर आपने कभी देखा हो कि घर पे जो है वो कोई लोखंड की चीज़ हो और उसके ऊपर अगर जरा सा एसिड गिर जाए, अब एसिड काफ़ी वायोलेंट होता है, पता है ना, आपकी स्किन पे गिर जाए तो पूरी स्किन डैमेज हो सकती है, तो घर पे ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है वो करना मत, ठीक है, यहाँ पूरी सेफ्टी होनी चाहिए उसके लिए कि उस एसिड की एक बूंद भी यहाँ वहाँ उछले नहीं। जनरली ऐसा एसिड अगर आप लोग आयरन के ऊपर, कोई लोखंड की चीज़ के ऊपर डालोगे ना तो क्या होगा पता है, कि एक तो जोर से धुआं निकलेगा उसमें से, एसिड जरा सा भी लोखंड के ऊपर अगर गिरे या कोई भी मेटल के ऊपर, तो एक तो जोर से धुआं निकलेगा, वो धुआं जनरली होता है हाइड्रोजन गैस, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस होता है, और दूसरा कि जब वो धुआं वगैरह अगर निकलना बंद हो जाए ना तो फिर ध्यान से उस लोखंड की चीज के ऊपर देखा करो कि उस लोखंड के ऊपर जो है वो छोटे छोटे सॉल्ट के दानों की तरह, नमक के दानों की तरह व्हाइट कलर की लेयर एक बन जाएगी, ठीक है ना, छोटे छोटे जो है वो उसके ऊपर ये पार्टिकल्स उसमें आ जाएंगे जो मेटल सॉल्ट कहलाता है। मतलब एसिड है ना उस मेटल को जरा सा जो है वो खत्म कर देता है, तोड़ देता है, और उनमें से जैसे ये सॉल्ट जैसे पार्टिकल्स उसमें बन जाते हैं। इसीलिए जनरली जो है वो ये कहा जाता है कि मेटल को एसिड के साथ अगर मिक्स करो तो मेटल सॉल्ट मिलता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। और एसिड कोई भी हो कि जैसे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो ना तो उसमें उसमें क्लोरीन का जो है वो सॉल्ट मिलेगा, कि जैसे अगर मैग्नीशियम को, जस्ट एग्जांपल, कि मैग्नीशियम को अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर मिक्स करें तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक तरह का सॉल्ट कहलाया,
ना, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब वो मेटल का सॉल्ट हुआ, और प्लस ये हाइड्रोजन गैस अलग होगा, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी मिक्स करो तो भी वही रिएक्शन ना, या सल्फ्यूरिक एसिड से अगर मिक्स करो, सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स करो तो भी वही रिएक्शन, H2SO4। तो मतलब जैसे ये एक रिएक्शन है कि सोडियम को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स करो, H2SO4 से मिक्स करो, तो उनमें से मिलेगा सोडियम सल्फेट, क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट, और प्लस ये H2 गैस अलग होगा। सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स करोगे तो सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स करोगे तो वो क्लोरीन का सॉल्ट, तो ये सोडियम सल्फेट कहलाया, और प्लस ये हाइड्रोजन गैस उसमें से अलग, ठीक है। सिर्फ मेटल है ना, ये नाइट्रिक एसिड HNO3 जिसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड, कि ये मेटल सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता नहीं है, बरबर, बाकी सबके साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, लेकिन ये मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। कि मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड अगर आप करोगे ना, तो उसमें H2 गैस इज नॉट डिस्प्लेस्ड, उसमें हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा। हाँ, भले उसका सॉल्ट बनेगा, दूसरा रिएक्शन होगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस उसमें से नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा, तो इसका रीजन ध्यान देना कि ये जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, कि जो ऑक्सीजन को ऐड करता हो एंड हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, बरोबर। तो इनकी वजह से इनमें से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता नहीं है, बरोबर। या तो सिंपल इतना ध्यान रखो अभी आप लोग, कि जो एसिड का मेटल के साथ जो रिएक्शन होता है ना, तो उसमें मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन होता नहीं है। और अगर नॉन मेटल की बात करें ना, ये कि डिल्यूट एसिड का नॉन मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो इसमें भी एसिड नॉन मेटल के साथ जनरली रिएक्शन करता नहीं है। कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल के एसिड से जनरली कोई रिएक्शन नहीं, क्यों नहीं होता, बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन एंड गिव इट टू हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड सो दैट द गैस इज रिलीज। पता है ना, जब भी कोई दो रिएक्शन होते हैं, तो दो रिएक्शन जनरली किस वजह से होते हैं, कि उनमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक होता है, रिएक्शन ऐसा ही होता है ना, कि किसी के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो दूसरे जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो उसको वो देता है, बरोबर ना, या जिसके पास अगर कम इलेक्ट्रॉन हो तो जिसके पास दूसरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उससे वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ नॉन मेटल का एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता, ये बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन एंड गिव इट टू हाइड्रोजन आयन्स, कि नॉन मेटल्स के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कि वो हाइड्रोजन आयन को एसिड में दे दे और उसमें से हाइड्रोजन गैस उसको अलग कर सके, तो इसीलिए नॉन मेटल का एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन नॉन मेटल का सिर्फ नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होता है। अब ये उल्टा है, बरोबर, मेटल की में हमने क्या देखा था कि मेटल का दूसरा कोई एसिड के साथ, सॉरी, सभी एसिड के साथ रिएक्शन होगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं होगा, मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता, ऐसा हमने पहले देखा था ना। जबकि नॉन मेटल में उल्टा, कि नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक एसिड के साथ ही रिएक्शन करता है, क्या रिएक्शन करता है, तो ये नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके और उनमें से ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो मैंगनीज है, कि मैंगनीज को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करो तो उसमें मैंगनीज नाइट्रेट बनेगा, Mn मतलब मैंगनीज, NO3 मतलब नाइट्रेट, मैंगनीज नाइट्रेट बनेगा और प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो नॉन मेटल जो है वो सिर्फ एक ही एसिड के साथ ज़्यादा रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, वो एसिड है नाइट्रिक एसिड, दूसरे कोई एसिड के साथ नहीं। जबकि मेटल में कैसा, कि मेटल बाकी सब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ वो रिएक्शन करता नहीं है, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल में ये पॉइंट ध्यान रखना।
और उसके बाद की केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मेटल का रिएक्शन कैसा होता है? तो कोई भी मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है ना, तो क्या रिएक्शन देता है, यहाँ पे समझना कि उसके लिए एक रूल बनता है ये कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हमेशा ये सेंटेंस याद रखना बेटा अच्छी तरह से, कि इस रिएक्शन में हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हमेशा जिसका रिएक्शन ज़्यादा होगा ना, मोर रिएक्टिव मेटल होगा ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को अलग कर देगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट और प्लस जिंक को मिक्स किया जाए। यहाँ पे दो मेटल है, ध्यान से पूरी चीज़ समझना बेटा। यहाँ पे दो मेटल है, एक कॉपर है और एक जिंक है। कॉपर एंड जिंक, इनमें से कौन सा रिएक्टिव और कौन सा नॉन रिएक्टिव है? तो इनमें मतलब लेस रिएक्टिव है, तो इनमें जो है वो ये कॉपर वो लेस रिएक्टिव कहलाता है और ये जिंक वो मोर रिएक्टिव कहलाता है। कॉपर कैसा कहलाता है? लेस रिएक्टिव। और जिंक वो मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके अकॉर्डिंग रूल ये आता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो इस लेस रिएक्टिव वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से, ये कॉपर सल्फेट तो ये सल्फेट उसका सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाया ना, तो ये मोर रिएक्टिव वाला वो लेस रिएक्टिव के सॉल्ट सॉल्यूशन से उसका सॉल्ट अलग कर देगा, उसका सॉल्ट अलग कर देगा और ये लेस रिएक्टिव वाला मेटल अलग हो जाएगा। मतलब कॉपर सल्फेट में अगर जिंक मिक्स करे ना, तो उसका रिएक्शन बन जाता है जिंक सल्फेट, कि ये सल्फेट इसके पास आ जाएगा और प्लस ये कॉपर अलग हो जाएगा। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, याद है फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वही कहलाता है। बरबर ना, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट अलग हो जाएगा। या सिंपल याद रखो ना, तो हमेशा ये जो लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट होगा ना, वही दूसरी जगह पे जाएगा, वो मोर रिएक्टिव के पास जाएगा, लेस रिएक्टिव में से मोर रिएक्टिव के पास। अगर इसका उल्टा सॉल्यूशन होता ना, कि सपोज अगर आप लोग जिंक सल्फेट रखते, ZnSO4 का सॉल्यूशन जिंक सल्फेट रखते और प्लस उसमें कॉपर अगर मिक्स करते, जिंक सल्फेट में कॉपर मिक्स करते ना, तो कोई रिएक्शन होता नहीं, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि यहाँ पे जिंक वो मोर रिएक्टिव है एंड कॉपर वो लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव के पास जाता नहीं है, हमेशा ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव के पास जाता है। ठीक है, ये रूल याद रखना, हमेशा लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव के पास जाता है। तो इसी तरह से कोई भी दो मेटल में जब वो रिएक्टिव है, कौन सा मोर रिएक्टिव या कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये भी अगर जानना हो ना, तो वो भी इस मेथड से आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, आगे ये पॉइंट आएगा उसमें भी समझाऊंगा। और ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन का नॉन मेटल से रिएक्शन देखे ना, तो नॉन मेटल के साथ भी उसका यही रिएक्शन होता है। नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन सेम है, रिएक्शन वही है कि व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, वही रिएक्शन ना, कि मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। हमेशा सिंपल भाषा में समझो कि हमेशा जो लेस रिएक्टिव होगा उसका सॉल्ट ही मोर रिएक्टिव के पास जाएगा, फिर भले वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों में रिएक्शन सेम हो गया ना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सोडियम ब्रोमाइड और प्लस क्लोरीन का मिक्सचर, तो इसमें ये ब्रोमाइड वो नॉन मेटल है और ये क्लोरीन भी नॉन मेटल है, जिसके साथ ये सोडियम का मिक्सचर किया हुआ है। तो इसमें ये ब्रोमाइड वो लेस रिएक्टिव कहलाता है और ये क्लोरीन वो उसके कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव कहलाता है। तो हमेशा लेस रिएक्टिव के साथ जो होगा ना सॉल्ट, वो मोर रिएक्टिव के पास डिस्प्लेस्ड होगा।
ठीक है, हमेशा लेस रिएक्टिव का सॉल्ट ही मोर रिएक्टिव के पास डिस्प्लेस्ड होगा। ठीक है, मतलब ये Na इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaCl और प्लस ये ब्रोमीन अलग हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये मेटल और नॉन मेटल में दोनों में ही सॉल्ट सॉल्यूशन का यही रिएक्शन कहलाता है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते वक्त हमेशा जो लेस रिएक्टिव होगा उसका सॉल्ट मोर रिएक्टिव के पास जाएगा। और इसी की वजह से हमारी केमिस्ट्री में एक चीज़ तैयार की जाती है, इसी फॉर्मूला इसी रूल के बेस पर ये चीज़ तैयार की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या कहा जाता है? रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज ये हमारी केमिस्ट्री में बनी हुई है कि जिसके अंदर एक सीरीज वाइज सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से मेटल है वहाँ से शुरू करते करते सबसे कम रिएक्टिव वाले मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं, कि जिनमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव वो ये पोटेशियम कहलाता है, के है ना जो नाम दिया हुआ है के, उससे उससे थोड़ा कम वो सोडियम, और ऐसे कम करते 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 सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्शन जो करता हो कोई भी चीज़ के साथ तो वो गोल्ड कहलाता है। ठीक है ना, गोल्ड का रिएक्शन सबसे कम होता है। और कोई भी दो मेटल अगर आपको दे दिए जाए तो उनमें से कौन सा रिएक्शन करता है, मतलब कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है, ये अगर जानना हो तो हमने जैसे पहले रूल देखा वैसे ही हम लोग जो है वो किया जाता, मतलब उसी रूल के हिसाब से ही उसका सॉल्यूशन किया जाता है ना, कि जिससे पता चल जाए कि कौन सा मोर रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव। जैसे कि देखो एक एग्जांपल बताता हूँ कि इनमें से कोई भी दो अगर पसंद कर लिए जाए, कि सपोज ये एल्यूमिनियम है और दूसरा एक पसंद कर दिया जाए कि भाई जैसे कि कॉपर है, दूसरा कौन सा अगर पसंद करें कि वो कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये दोनों है ना। एक चीज ध्यान से समझना, अब आपके सामने दो चीजें दे दी गई एल्यूमिनियम एंड कॉपर, और पता करो इसमें से कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो कैसे पता चलेगा उसमें आपको, इसमें तो चलो लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, ये ऊपर दिया हुआ है बराबर ना, एल्यूमिनियम अगर ऊपर दिया हुआ है मतलब कि ये मोर रिएक्टिव है, और उसके कंपैरिजन में ये कॉपर वो लेस रिएक्टिव है, ये तो डायरेक्टली पता है। लेकिन ना पता हो तो उसके लिए जैसे अभी हमने रूल देखा ना कि हमेशा जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है ना वो लेस रिएक्टिव मेटल में से सॉल्ट को डिस्प्लेस कर लेता है। तो इसके लिए ना दो तरह के एक्सपेरिमेंट किया करो, कि जैसे एक वेसल लेकर उसमें जो है वो ये पहली बार एल्यूमिनियम है ना, ये एल्यूमिनियम और कॉपर, तो एक में जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब एल्यूमिनियम का सॉल्ट Al2SO4, ये SO4 उसके लिए सल्फेट का सॉल्ट कहलाया। एल्यूमिनियम सल्फेट में एक बार कॉपर मिक्स करके देखो, और दूसरी बार एक रिएक्शन करो कि जिसमें अब दूसरी बार में कॉपर सल्फेट बनाओ, क्या बनाओ, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट तैयार करो और उसके अंदर जो है वो एल्यूमिनियम मिक्स करो। ठीक है, उसके अंदर एल्यूमिनियम मिक्स करो, ये दो बार रिएक्शन करेंगे। आपको कोई दो मेटल दे दिए जाए जैसे एल्यूमिनियम एंड कॉपर, और पता करना हो इसमें से कौन सा है मोर रिएक्टिव कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो उसके लिए ये दो बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बार एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेकर उसमें कॉपर मिक्स करेंगे और चेक करेंगे क्या रिएक्शन होगा, और एक बार कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेकर उसमें एल्यूमिनियम मिक्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या रिएक्शन होगा। तो इन रिएक्शन में जनरली कैसे होगा पता है, कि हमेशा जो लेस रिएक्टिव का सॉल्ट होगा वो मोर रिएक्टिव की तरफ जाएगा। सिंपल भाषा में यही समझते हैं कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर रिएक्टिव की तरफ जाएगा। अब यहाँ पहली कंडीशन में जो है वो ये एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो ये मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ नहीं जाता, मतलब पहली कंडीशन में है ना इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। एल्यूमिनियम सल्फेट में कॉपर मिक्स करोगे ना तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, और दूसरे जो रिएक्शन आप देखोगे ना कि जिसमें कॉपर सल्फेट में अगर एल्यूमिनियम मिक्स करोगे तो उसमें ये सल्फेट जो है वो एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा। और कैसे पता चलेगा ये चला जाएगा, उसमें एल्यूमिनियम का थोड़ा सा कलर बदल जाता है, कि जिससे पता चलता है कि ये सल्फेट एल्यूमिनियम के साथ मिक्स हुआ, मतलब इसमें रिएक्शन हुआ ना।
तो जिसमें रिएक्शन हो ना, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ इसमें ये कॉपर का सॉल्ट एल्यूमिनियम के पास गया, इसका मतलब कॉपर वो लेस रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम वो मोर रिएक्टिव है, बराबर ना। जिसका सॉल्ट वो दूसरे की तरफ अगर डिस्प्लेस्ड होता हो तो इसका मतलब वो लेस रिएक्टिव कहलाया और वो दूसरा क्या कहलाया, मोर रिएक्टिव कहलाया। समझ आ रही है बात है? तो इस तरह से जो है वो ये इसमें समझा करो कि कौन सा मोर रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। ऐसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब जैसे ये है ना, उसके बाद एक चैप्टर का पॉइंट आता है, छोटा सा एक पॉइंट है कि जो पॉइंट है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। इसका आंसर तो हमने पता है ये 8th स्टैंडर्ड से सीखते हुए आ रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करते हैं। तो जनरली मेटल और नॉन मेटल का जो रिएक्शन होता है ना, वो रिएक्शन किस तरह से होता है कि उनके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की गिव एंड टेक से, कि जिसके पास से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी आखिरी ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं, पता है ना ये तो रूल। और जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से लेते हैं। ऐसा ही होता है ना कि जिनके पास जो है वो कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो दूसरे से लेंगे, और जिनके पास अगर जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, 1, 2, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे फिर। और यही इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक से ही तो ये कंपाउंड बनता है ना, दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड बनते हैं। जैसे एक सबसे सिंपल एग्जांपल हमें पता है वो है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसे कहते हैं ना NaCl। सबसे सिंपल कौन सा, NaCl, कि जिसमें अगर सोडियम और क्लोरीन की बात करें ना, तो सोडियम तो पता है सोडियम कौन से नंबर पे आता है। अगर हम लोग सभी एलिमेंट्स के नेम लिखते हैं कि जैसे सबसे पहले जो है वो हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम, फिर लिथियम, ऐसे सब लिस्ट आती है ना, तो उसके हिसाब से सोडियम कौन से नंबर पे आता है। तो सोडियम आता है 11 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है सोडियम, तो 11 नंबर पे आता है। तो उस 11 नंबर के हिसाब से उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या बन जाती है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बन जाती है ये 2, 8, 1, पता है ना 11 नंबर पे है, तो 2, 8 और 1, मतलब कि जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वो बाहर दे सकता है, दे सकता है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो वो क्या कर देगा, दूसरे को दे देगा, बरोबर। और उसी तरह से अगर आप क्लोरीन को समझो, सोडियम के साथ क्लोरीन, तो क्लोरीन कौन से नंबर पे आता है, तो क्लोरीन वो जनरली आता है कौन से नंबर पे, तो 17 नंबर पे। क्लोरीन का नंबर 17 है, तो उसके हिसाब से उसकी कन्फिग्रेशन क्या बन गई, तो क्लोरीन की कन्फिग्रेशन बन जाती है 2, 8, 7। क्या बन जाती है उसकी कन्फिग्रेशन, 2, 8, 7। और इनके हिसाब से उसके आखिरी ऑर्बिट में ना 7 है, कंप्लीट होने के लिए लास्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, 8 होने चाहिए ना आखिरी ऑर्बिट में, और यहाँ तो 7 ही है, मतलब कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्या है उसमें, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, और वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेंगे। क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले लेगा ना, और वो किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोडियम से ही लेगा ना, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मतलब कि यहाँ पर सोडियम के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया हुआ है और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये NaCl तैयार होता है ना, जैसे यहाँ लास्ट में जो है वो ड्रॉ करके आपको बताया हुआ है टेक्स्ट बुक में भी, कि ये Na के लास्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ये एरो करके बताया है ना, वो किसको मिल जाएगा, Cl को, क्लोरीन को मिल जाएगा। तो क्लोरीन के आखिरी ऑर्बिट में सब जो है वो 8 के 8 कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट ऑर्बिट में 7 होते हैं ना, उसे एक मिल जाने पर उसके लास्ट ऑर्बिट में ये 8 कंप्लीट हो जाएगा, तो जिससे इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम की बात करें कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है, तो मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। 12 नंबर पे मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या लिखते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखते हैं 2, 8, 2। 12 नंबर पे आता है तो 2, 8, 2
ऐसे लिखा जाता है ना, तो उसके हिसाब से उसकी लास्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, जो वो दो इलेक्ट्रॉन अलग करके वो दूसरे को दे सकता है ना, बराबर ना, दो इलेक्ट्रॉन वो दूसरे को दे सकता है। और दूसरा क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन वही 17 नंबर पे आता है, और अगर क्लोरीन 17 नंबर पे है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में होता है 287, मतलब लास्ट में 7 होते हैं, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जो वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले सकता है, बराबर ना। अब अगर इन दोनों का मिक्सचर हमें करना है, इन दोनों का रिएक्शन अगर करना है, तो मैग्नीशियम का के पास तो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, मैग्नीशियम के पास कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, जबकि क्लोरीन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा कि उसमें क्लोरीन के एक एटम नहीं, अब क्लोरीन के दो एटम आपस में मिक्स होंगे, क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन के दो एटम आपस में मिक्स होंगे, कि जिससे मैग्नीशियम के पास, यहाँ जैसे ड्रॉ करके बताया हुआ है ना, कि मैग्नीशियम के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके एक एक क्लोरीन को मिल जाएंगे, कि जिससे क्या बन जाएगा, जिससे तैयार हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसकी फॉर्मूला क्या लिखते हैं, MgCl2, आखिरी में 2 लिखा जाता है ना, बरोबर ना, ऐसे बनता है ना ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब मेटल्स और नॉन मेटल जब भी जो है वो दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक होती है। और उसमें एक और चीज़ आपको याद करवाऊं कि ये इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक से ही वो एक तरह का जो कंपाउंड बनाते हैं, जो कंपाउंड कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है आयोनिक कंपाउंड। याद आ रहा है कुछ, कि पहले के टाइम में हम लोग कंपाउंड के दो टाइप पढ़ते थे, कि जिसमें एक होता था आयोनिक कंपाउंड और दूसरा होता था कोवेलेंट कंपाउंड, है ना, आयोनिक एंड कोवेलेंट। तो आयोनिक किसे कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड वो कहलाता है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक होती हो, एक पॉजिटिव आयन हो एक नेगेटिव आयन हो, तो ऐसी गिव एंड टेक होती हो, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, बरोबर। जैसे कि यहाँ सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो वो पॉजिटिव आयन कहलाया ना, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो वो क्या कहलाता है, निगेटिव आयन कहलाता है, सही बात है ना इसमें। और इन दोनों के मिक्सचर से ही जो नया कंपाउंड बनता है, जो कहलाता है सोडियम क्लोराइड, वो सोडियम क्लोराइड वो कैसा है, वो आयनिक कंपाउंड कहलाया, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन से बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड में भी ऐसा ही, समझ आ रही है बात। तो अब जो ये आयनिक कंपाउंड है ना, हमारा एक टॉपिक आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है चैप्टर का, कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो अब आयनिक कंपाउंड क्या, ये क्लियर हो गया ना, कि जो कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की गिव एंड टेक से बनता हो, तो उस कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो जिन प्रॉपर्टी में सबसे पहले देखें फिजिकल नेचर, कि ये कंपाउंड का फिजिकल नेचर कैसा होता है। तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों ये ज़्यादातर सॉलिड और हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो आयन्स होते हैं ना, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होने की वजह से इनके अंदर के जो एटम्स होते हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी वजह से ये जनरली सॉलिड एंड हार्ड होते हैं। लेकिन सॉलिड और हार्ड होने के बावजूद ये ब्रिटल होते हैं, कैसे होते हैं, ब्रिटल मतलब जल्दी से टूट जाए, इसका चूरा हो जाए, ऐसा, जैसे आप लोगों को सॉल्ट पता है ना, घर पे जो नमक होता है वो पता है ना आपको, कि वो सॉल्ट वो भी तो आयनिक कंपाउंड ही है ना, तो वो सॉलिड ही होता है ना, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, लेकिन ब्रिटल होता है। अगर सॉल्ट का एक बड़ा सा टुकड़ा हो, नमक का थोड़ा सा बड़ा पत्थर हो, तो उस पत्थर को जरा सा आप लोग जोड़ दोगे तो उसका पाउडर बन जाएगा। आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल समझना हो ना, तो सॉल्ट को ही माइंड में रख के याद किया करो। तो फिजिकल नेचर में ये याद रखो कि वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं, कि जरा सा जोर लगाने पर वो टूट जाए, चूरा हो जाए उसका, ऐसे होते हैं। इनके बाद दूसरा आता है, वो आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है,
क्योंकि इनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, स्ट्रॉन्गली इनके पॉजिटिव और निगेटिव आयन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसी वजह से उनको अगर तोड़ना हो ना, इनका अट्रैक्शन फोर्स अगर तोड़ना हो तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जब इनको पिघलाना हो या तो इनको बॉयल करना हो तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है हमें, ठीक है। मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगर देखें तो ये आयनिक कंपाउंड जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। नमक को पानी में डालो, मिक्स हो जाएंगे ना। लेकिन ये दूसरे सॉल्वेंट जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल या ऐसे जो हैवी सॉल्वेंट कहलाते हैं ना, उनके अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल जैसे जो हैवी सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर इनसॉल्युबल कहलाते हैं, ठीक है, इनसॉल्युबल, क्योंकि उसके अंदर मिक्स नहीं होते। मतलब सिंपल, अगर नमक को पानी में मिक्स करो तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन वही नमक को अगर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन में मिक्स करने जाओ तो उसमें मिक्स होगा नहीं। है तो वो भी लिक्विड ना, मिक्स हो जाना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं होता मिक्स। एंड दूसरा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि उनमें से करंट पास होता है या नहीं। तो एक चीज़ इसके बारे में खास जानना कि जब ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना, सॉलिड फॉर्म में अपने नेचुरल फॉर्म में होते हैं ना, तो उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती नहीं है। वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि सॉलिड फॉर्म में होने की वजह से उनके अंदर का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कोई खाली इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके। मतलब सॉलिड फॉर्म में इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म की बात करें ना, मतलब कि अगर जो है वो उसका लिक्विड फॉर्म एक्वेयस सॉल्यूशन बना दे, पानी में उसको मिक्स कर दे या आयनिक कंपाउंड को, तो फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो वो गुड कंडक्टर कहलाएंगे, क्योंकि उनमें फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे नमक का ही एग्जांपल लो, कि नमक जब सॉलिड फॉर्म में होगा और उसमें से करंट पास करोगे ना, तो करंट पास होगा नहीं, वो बैड कंडक्टर। लेकिन नमक को पानी में मिक्स करके फिर उसमें से करंट पास करो ना, तो करंट पास होगा, पानी की वजह से उसमें से करंट पास होगा और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाएंगे। बराबर बात आ रही है ना समझ में? तो देखो, आज जैसे हमने मेटल नॉन मेटल में ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड और इन सब के बारे में समझा ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे टॉपिक्स, चैप्टर के दूसरे पॉइंट्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।